जी माशाल्लाह जी, आज हमारी एक सैर का नया पहलू भी देखें। 4 और 4 8 और 1 9, बीच में एक नन्ना तिफल भी शामिल हो गया। 70 किलोमीटर दूर फ्रैंकफर्ट से आ गए। जी आज हमारे साथ एक बच्चा 70 किलोमीटर दूर से है, हमारी सैर जो होती है उसको देख के यूट्यूब पे। क्या नाम है आपका? ऊंची बताओ ना, ऊंची। आसम। अबू का क्या नाम है? अबू का क्या नाम है? अबू का नाम। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में हो आप? तीसरी में। और आज फिर मजा आएगा ना साथ साथ चलने में? थक तो नहीं जाओगे? चलो वेरी गुड। सुबह के जो मनाजर खूबसूरत होते हैं, आज जर्मनी में 1 घंटा जो घड़ियां हैं उनको चेंज किया गया, तो आज शहर में जो हमारा दरस था फजर के बाद, वो जो गज़वा-तबूक में 300 सहाबी पीछे रह गए, उनमें से 100 सहाबी उनका बड़ा तफसीली जिक्र था तकरीबन 1/2 घंटे का, जिसमें उन्होंने अपनी पूरा वाक्या बयान किया हुआ है, अपने जज्बात का इजहार किया हुआ है, किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना उनको करना पड़ा, किस तरह उनसे सुस्ती हुई, दिल करता था जाने का, इरादा भी बांधते थे, फिर तैयारी नहीं की। फिर जब वापस आ गया काफिला और मस्जिद में बारी बारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पूछा जो रह गए थे, बहाने लगा दिए, तो इन्होंने इरादा किया कि पहले मैं भी कोई बहाना लगा दूं, लेकिन फिर इन मौके पे ये इरादा किया कि नहीं सच बोलना है। फिर उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाराज़गी और मुकातिया बाकी मुसलमानों की तरफ से वो, और फिर उसके बाद फिर उनके दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और कोई फिर बहाना लगाऊं, लेकिन जब पता चला कि 2 सहाबी और हैं जिन्होंने सच बोला, नबी करीम सल्लम की नाराज़गी ली है लेकिन खुदा ताला की नाराज़गी से उन्होंने लेने से मोल नहीं ली, तो फिर कहते मैंने इरादा चेंज कर दिया बहाना लगाने का। 50 दिन का ये जो वक्त था, कितनी मुश्किल में उसके मुख्तलिफ वाक़ियात हैं। आखिरी 10 दिन बीवियों से दूरी का भी जो इरशाद हो गया, बड़ा ही दिलचस्प वाक्य है। मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ सबक जो है लम्हा लम्हा उसमें मिलते हैं। फिर जब उनकी माफ़ी का ऐलान हुआ, वो भी था मुसलमान मुबारकबादें देने के लिए आना शुरू हुए। ये बड़ा वाक्य पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, इसमें कई सबक मिलते हैं। बहरहाल उसके बाद फिर आज हमारी सैर है, उसके बना ज़रा इंजॉय करें साथ साथ। आज सारे ग्रुप जो छोटे छोटे बने ने कवर कर लेंगे। साढ़े ना अच्छ 2 जवान ने कहो सर, मैं अच्छा 2 जवान आए ने, एक तो नन्ना तिफल है, एक है साढ़े खादम जी नाल ही, सारा भी नहीं आता होंगे कदम कदम, कई बार नहीं भी आता। देख क्या खादम है पिछले साढ़े, देखे तुम देखे ही नहीं खादम के सामने लगे हम। बताएं, हाँ बताएं मुझे, कितने बहन भाई हैं? एक भाई और एक बहन। हाँ हाँ अच्छा, अच्छा 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 सैर कर, क्यों आप आज इतनी दूर से आए हो सैर करने? नाना अबू के पास। नाना अबू के पास? तो फिर आज आप सैर करने के लिए, आपने खुद कहा था नाना अबू को मैंने भी जाना सैर करने, तो आपको कैसे पता था कि सैर से जाते हो? फोटो देख के पता चला। अच्छा, इसलिए फिर आपने कहा कि आज मैंने भी जाना साथ। चलें बाद में फिर बताना मज़ा आया कि नहीं आया।
माशाल्लाह साइकिल अच्छा ਉਹ ਪੈਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੱਧਰ 1450 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਇਸ ਵਾਕੇ ਨੂੰ 1450 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਰਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ रात का जो कर बोलते हैं इसको ये इस तरह लग रहा है जैसे मोती हैं घास के ऊपर पड़े ये गंदम तैयार हो रही है आइंदा चंद महीनों में आप इसको देख लेंगे लेकिन ये देखें कॉस पड़ी हुई है रात की हमारी शहर के मुख्तलिफ मनाजर तय करते करते वापस हमारी सैर तकरीबन 45 से 50 मिनट की ये पूरे मनाजर आपने देखे अब दोबारा हम अपना मरकज बैतुल सुलूक के करीब पहुंच चुके हैं माशाल्लाह जी मजलिसे खुदामुल अहमदिया का मेन दफ्तर ईवान-ए-खिदमत फिर आगे साथ जुड़ी बैतुल सुलूक